यशाया है भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 55। यशाया है अध्याय 55। अहो सब पैसे लोगों पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया भी न हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। आकर दाख मधु और दूध बिना रुपए और बिना दाम के ले लो। जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो? मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो तब तुम जीवित रहोगे और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा। सुनो, मैंने उसको राज्य राज्य के लोगों के लिए साक्षी और प्रधान और आज्ञा देने वाला ठहराया है। सुन, तू ऐसी जाति को जिसे तू नहीं जानता बुलाएगा, और ऐसी जातियां जो तुझे नहीं जानती तेरे पास दौड़ी आएगी। वे तेरे परमेश्वर यहोवा और इस्राएल के पवित्र के निमित्त यह करेगी, क्योंकि उसने तुझे शोभायमान किया है। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसको पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, और वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि मेरे और तुम्हारे सोच विचार एक समान नहीं है, और न तुम्हारी और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, इसी रीति से बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। उसी प्रकार से मेरा वचन भी जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा। जो मेरी इच्छा है वह उसको पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है वह पूरा करेगा, क्योंकि तुम आनंद के साथ निकलोगे और शांति के साथ पहुंचाए जाओगे। तुम्हारे आगे आगे पहाड़ और पहाड़ियां गला खोलकर जय जयकार करेगी, और मैदान के सब वृक्ष आनंद के मारे ताली बजाएंगे। तब भटक टैयों की संति सनोवर उगेंगे, और बिच्छू पेड़ों की संति मेहंदी उगेंगी, और इससे यहोवा का नाम होगा और सदा का चिन्ह होगा जो कभी न मिटेगा।